हेलो एवरीवन, दिस इज़ लकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लकी हिमाचल। तो भैया आप लोग कैसे हैं? आप बिल्कुल सही होंगे, मैं भी बिल्कुल मस्त हूं। और आपको बता दूं गाइस कि आजकल मैं घर में हूं, तो बाहर जाने का मौका नहीं मिला मुझे। तो आज जो है वो आपको मैं यहां का व्यू दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ मैं बता दूँ गाइज़ कि अभी जो है वो सेब का सीज़न तो ऑलमोस्ट ख़त्म है और घास का सीज़न भी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। तो थोड़ा थोड़ा बचा है किसी किसी के पास, तो वो अभी अपना काम भाई जो अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको गाइस बता दूं कि मैं जो है यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा बैक कैमरा से और बताना कि व्यू कैसा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमेजिंग सा दिख रहा है। और इस यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो ये है चांशल वैली, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो वो टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गाइज़ यहाँ पे भी मैं कभी किसी दिन जब जाऊँगा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही जो है प्यारा सा ब्लॉग लेके आऊँगा। तो ये यहाँ का व्यू है और मैं आपको जो है अपने बगीचे ले चलता हूँ, बगीचे में किस तरह का व्यू रहता है देख सकते हो आप। और बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी धूप लगी है, तो ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा व्यू जो वो दिख रहा है। तो अभी चलते हैं बगीचे और दिखाता हूँ मैं वहाँ का हाल, और वहाँ का भी कुछ एक व्यू दिखाऊंगा आपको किस तरह से रह गया है। अच्छा सा व्यू, और ये तो आपको पता ही है, ये होती है टोली जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको किस तरह से लगाते हैं। तो अभी देख सकते हो भाई बहुत ही अच्छा सा भी हरियाली थोड़ी थोड़ी बची है, बट कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगी, फिर हरियाली नहीं बचेगी इधर, ठीक है। तो देख सकते हो भाई देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर, और सनसेट हो रहा है देख सकते हो, सनसेट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने दिखाया था पिछली बार भी सनसेट जो वो शिमला में दिखाया था, तो काफ़ी अच्छा सनसेट होता है शिमला में भी। तो अभी आप यहाँ का सनसेट देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली अभी चार बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा व्यू है ये, और अभी देख सकते हो सेब के जो पौधे हैं बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और जो इसमें लीव्स थी वो भी अब जो फॉलिंग हो चुके हैं लीव की, तो देख सकते हो आप। और अभी मैं इधर बैठा हूँ तो देख सकते हो पीछे से सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, वाओ।
गाइस जो है वो दिसंबर नवंबर के एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है वो इधर स्नोफॉल भी होना शुरू हो जाता है, तो स्नोफॉल का भी मैं व्यू आपको एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा अगर मैं घर में हुआ तो डेफिनेटली आप जो है वो इन्जॉय करेंगे स्नोफॉल को भी। और तो इस तरह का रहता है हमारे हिमाचल का जो है वो एटमोसफेयर। तो आप देख सकते हो अभी लोगों ने घास जो है वो ऑलमोस्ट कटवा ही दिया है और इसके बाद होगा कटिंग का सीज़न, उसके लिए भी व्लॉग लेके आऊँगा। आई होप ये वीडियो पसंद आ रही होगी आपको डेली बेसिस पे। यार अब जो है वो ठंड का मौसम जो वो आ गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है अभी शाम को, सुबह और दिन को उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो ठंड का मौसम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों के एरियाज़ में सर्वाइव करना, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो मैं आपको शेयर करता जाऊँगा हमारी जो ज़िंदगी होती है हिमाचल की विंटर सीज़न में किस तरह का लाइफ होता है और क्या क्या पूरे विंटर सीज़न में करते हैं हम लोग, कौन कौन सा काम करते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊँगा। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।